चलो भाई टाइम आ गया इस बेबी को पैम्पर करने का, तो लगा के दिए तो और रिटर्न दूसरी गाड़ी लेकर आया लगा तो 14-14 28,000 वी आर वेरी बजट फ्रेंडली, आपका जैसा बजट होगा वैसा हम काम करें। 10 से 15 साल रहती है जितनी एक कार की लाइफ होती है। अच्छा तो अगर आप OEM की बात करते हो तो आओ मैं आपको एक छोटा सा खजाना दिखाता हूँ। देखो बहुत ज्यादा व्यस्तताएं चल रही हैं, काम चल रहा है और बहुत बढ़िया लग रहा है। ये वाले काम के चलते हैं, अपनी वेडिंग साइट चलती है तो मजा ही आता है। लास्ट व्लॉग में आप लोगों का रेस्पॉन्ड भी बढ़िया रहा और ये भाई बहुत ज़्यादा जल्दी में बहुत जल्दी पहुँचेगा, ये जहाँ भी जाना है इसको जल्दी पहुँच जाए भगवान करे। बिल्कुल चलो भाई, सो वेलकम बैक अगेन, दिस विल बी लाइक साइन इन विद द टिट पिटॉक्स, आई होप यू गाइस ऑल आर वेल। और ये वाला व्लॉग जो है व्लॉग क्या बोलते हैं यार, मैं तो लैंग्वेज ही बोलती हूँ ये वाली इस वक्त। सो भाई थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या व्लॉग है। व्लॉग होने वाला है अपनी बेबी, ये जो बेबी है ना अपनी, मेरे हर उसमें एक तो स्टेयरिंग आजकल, अरे कैमरा गलत हो रहा है यार, कैमरे को साफ करो आजकल मेरे, हाँ नाउ क्रिस्टल क्लियर। तो मेरे आजकल हर व्लॉग में स्टेयरिंग ये वाले सेम देखने को मिलता है, क्यों बता देता हूँ भाई, क्योंकि मारुति की गाड़ियाँ चला रहा हूँ, इग्निस का स्टेयरिंग भी सेम है, इससे पहचान जाया करो कि मैं अभी सियाज चला रहा हूँ या मैं इग्निस चलाते कर रहा हूँ। चलो भाई टाइम आ गया इस बेबी को पैम्पर करने का, क्या बात है, क्या पैम्पर करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं मैं सोच रहा हूँ कि अब ये काफ़ी टाइम हो गया है इसको, ऑलमोस्ट ये है 2018 मॉडल मेरी और मैं इसको थोड़ा सा पैम्पर करना, ऐसा है कि हर गाड़ी की एक लाइफ होती है ना, लाइफ के बाद आपको मेंटेन करना ज़रूरी होता है उसको, तो मैं वही करने वाला हूँ। अब इसमें क्या हो गया, इसकी हेडलाइट वगैरह जो है, इंजन रिफाइनमेंट आई हाय सेक्सी, आज भी बहुत बढ़िया है। एवरेज यहाँ दिखा रहे हैं देखो 19.1, जो कि बहुत अच्छी होती है डीजल गाड़ी, वो भी इतनी लंबी डीजल गाड़ी अगर 19 का एवरेज देती है, वो भी एसी पे कंटिन्यू, बहुत मज़ेदार चीज़ होती है। तो मैं आप इसका पैम्पर क्या है, इसकी हेडलाइट जो है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गई है, तो अपन करवाने वाले हैं सियाज का। और अंदर इंटीरियर भी देख रहे हो, पहले ब्राउन दिखता था अब बेज दिख रहा है, ये बेज इसके पूरा कंपनी फिटेड वाले जो OEM होते हैं ये वो है, कंपनी फिटेड वाली सीट्स हैं वही कवर हैं। तो अब इस पर सीट कवर, इंटीरियर का काम थोड़ा सा, और इसमें इंटीरियर का काम, सीट कवर्स और इसकी हेडलाइट्स बेसिकली जो है वो बहुत कमज़ोर पड़ गई हैं, तो मैं इसमें हेडलाइट अपग्रेड करवाने जा रहा हूँ। चलो जी फटाफट पहले घर चलते हैं, खाना ना खा के गाड़ी डालते हैं अपन, काम पे लगवाएं इसको और फिर अपन फटाक से मिलते हैं। मेरा ना दिल कर रहा है, मतलब मैं सिग्नल पे रुका था, अभी सिग्नल मेरा बाकी है तकरीबन देखा है 33 सेकेंड्स, तो सोचा 30 सेकेंड की बात है आपके साथ कर ली जाए, तो फटाफट बातें ये करते हैं। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना इस वाली गाड़ी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करूँ, मॉडिफाइड कैसा करूँ, इसका कलर चेंज करवाऊँ पूरा, विच इज़ बाय रैपिंग, रैप करवा के, और किसी तरीके से नहीं कि कलर ही पुतवा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं, कलर चेंज करवाऊँ, कुछ स्पॉयलर वगैरह लगा के इसको पूरा स्पोर्टी कैरेक्टरिस्टिक में, ग्राउंड क्लियरेंस और कम, और माइट बी पॉसिबल कि एलॉय भी चेंज करवा दूँ, देखते हैं अपन। आगे बने रहो, सब्सक्राइब का बटन दबा लो, चलते हैं। तो अभी इसकी जो हेडलाइट देख रहे हो आप कुछ इस तरह की है, जिसका थ्रो ये यहीं कहीं ख़त्म हो जाता है, मतलब इतना सही है, और ये इधर का फॉग लैम्प बंद पड़ा है, उधर का अपर डिपर बंद पड़ा है, ऐसे समझ में नहीं आ रही होगी, ऐसे देखोगे तो देखो कितनी कम है ये भाई, लाइट बहुत गंदी। तो भाई बोले टॉर्च दिखा दे, भाई बोले कि यार मैं तुम्हारी है ना हेडलाइट भी साफ़ कर देता हूँ, तो ये कुछ रमिंग वमिंग पॉलिश वॉलिश सी डाल के और इसको ऐसा एकदम डीप क्लीन कर रहे हैं उसको, बहुत
ये लेना पड़ा भाई। और आएगी स्क्रैचेस जितने हो गए थे, मतलब अपन ने तो जब से लिए, जब से बस गाड़ी चलाई है, मैटिंग डला के इसके अलावा तो कुछ किया ही नहीं है। तो आज मैंने जैसा कि दिन में बोला कि पैम्पर करने की बारी है, अपन करेंगे इसको प्रॉपर। अभी उस पर भी उतना बात नहीं आ रही होगी, दिख रहा है ना, ये देखो अभी लाइट वैसी आई नहीं है। एक्चुअल जो चीज़ निकल के आएगी ना, मज़ा ला देगी। आराम से आराम से, प्लग एंड प्ले है। और बाहर देख रहे हो क्या रोशनी आ रही है। इसकी वारंटी वारंटी क्या रहती है भाई? सब भैया ही बताएंगे। अच्छा, सब भैया ही बताएंगे। पर अभी तक जनता का रिस्पांस कैसा है? जिसको लगा के दिए, जिसको लगा के दिए और रिटर्न दूसरी गाड़ियां लेकर आया लगा। अच्छा, अभी तक तो अपन ने यही देखा फिलहाल। ओके भाई, ऐसी आवाज़ों के साथ खींचा पानी कर रहे हैं उसके साथ। बहुत तेज क्लीन होने वाली है यार ये तो। ये लगा और ये भाई ने क्लीन किया। अब एक्चुअल हालत पता है कैसी थी इस हेडलाइट की, देखी जाए तो ये ऐसी थी नहीं, ये थी कुछ ऐसी पीली पीली जो दिख रही है ना, कुछ इस तरह से हो गई थी। चलो बढ़िया है भाई, आने दो, फाइनल रिजल्ट निकल के आने दो, फिर देखते हैं अपन। भाई गया है अपनी गाड़ी की, भाई गया ट्रायल लेके। ट्रायल क्या लेने, मतलब बताने की, देखो अब आप क्या फ्लो आने वाला है, क्या बीम आने वाला है आपका, देखते हैं भाई। यहाँ तो वैसे भी काफ़ी लाइट है, पर अंधेरे में देखते हैं कि क्या कमाल करने वाला है। कौन सा वाला बल्ब? वो वाला जो है ये सिंगल बल्ब 14,000 ल्यूमेन से वो। अच्छा, नीचे का जो सिंगल बल्ब जो आ रहा है आपका, हाँ, ये एक बल्ब जो 7,000 ल्यूमेन से। ओके ठीक है, 7, 7, 14 वो हो गया आपका, और ये जो है अकेला 14,000, तो 14, 14 28,000 28,000। और इसमें और बोल रहे हो आपकी, और 14,000 और डाल देता हूँ मैं इसमें ऊपर, एक एक और साफ होने का तो और प्यारा लग रहा यार इसमें। अभी देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी इसको इस नजरिए से मत लो आप, जब आप फ्लैशर मार रहे हो ना तो येलो लाइट है आपकी, ठीक है, इसमें कपल जलता है, अगर मैं ऊपर मारूंगा तो येलो जो है आपके पास देने के हिसाब से अभी काम आ जाएगा। हाँ, तो ठीक है, येलो लगे रहने दो अभी, अगर ऐसा कुछ है तो, अगर आप है ना, इट्स योर ऑप्शन, अभी येलो लगे रहने दो, अभी दो पांच दिन में अगर अपने को लगता है तो अपन अपडेट करवा लेंगे इसको, लगता है तो मैं वैसा कर देंगे अपन। हाँ, कितनी देर, 10 मिनट का तो काम है। वी आर वेरी बजट फ्रेंडली, आपका जैसा बजट होगा वैसा हम काम करें। हाँ भाई, अभी हमारी जेब तंग चल रही है जरा, ये करता करता है। नहीं नहीं नहीं, बट अपन पॉकेट फ्रेंडली इंसान। अरे ये लोग सब्सक्राइब करके पैसे ही नहीं कमवा रहे हैं जो मैं पूरी काम करवा लूं, ये लोग गलत काम करते हैं। सुस्वागत है RMBC, बिल्कुल नगर जोन 1 में। ये भाई का है, पैसा खर्च करवाने पे मजबूर नहीं कर रहे ना, इसलिए भाई ने भी लाइट बंद कर रखा है। ये देखो जी वैगन बन रही है, देसी जी वैगन नहीं, रेंगलर है। रेंगलर, जी वैगन, जी वैगन है यार, पूरी देसी जी वैगन। तो चलो भाई, हंसी मजाक भी हो गया। अभी अपन इसमें क्या कर रहे हैं, अपर जो है इसके येलो वाले थे वही करवा रहे हैं, रेस्ट भाई बोल रहे हैं कि ये वाले इस पे ही। लाइट देख रहे हो यार कितनी क्लीन हो गई है, मज़ा आ गया। बोल रहे हैं इस पे ही चलाओ आप, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अपर लाइट लगवाने की, अपर जलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका कुछ करें नहीं, बहुत नीचे से वो ऐसा जा रहा है। वो बोल रहे हैं ना फॉग लैम्प में दूसरा दिखवा के, ज़्यादा अपर जल रहा है तो देखो कैसा लग रहा है, कुछ अलग सा लग रहा है इसको। अलग सी आंखें लग रही हैं। अरे वीरे की दुकान जो है बैंक ऑफ बड़ो, बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग, इसके ठीक सामने यूनियन भी है, इसके बिल्कुल ठीक सामने RMBC करके गूगल अगर करोगे तो मिल ही जाएगी। रेस्ट यह है दुकान भाई, वैसे कार कैफ़े के नाम से, बोर्ड जो है वो कार कैफ़े के नाम से लगा हुआ है। ऐसा ऐसा झांसा क्यों दे रखा है वीर जी आपने? किस चीज़ का भाई? कार कैफ़े का नाम का बोर्ड लगा के RMBC से गूगल पे ढूंढवा रहे हो? RMBC कार कैफ़े, अपन शुरू से ही RMBC चल रहा है, स्टार्टिंग भी RMBC से करी थी, GR इंडस्ट्रीज नाम है वैसे। अच्छा, RMBC हमारा एक तरीके से ट्रेडमार्क है। अच्छा, इट्स ऋषि म्यूजिक बॉक्स कंपनी। ओके, और हम लोग वूफर और आर्मरेस्ट के स्पेशलाइज्ड हैं MP में, और MP में नहीं, अब इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया मैं सप्लाई कर रहा हूँ आर्मरेस्ट और ट्रे। मेरी ट्रे की लाइफ एटलीस्ट 10 से 15 साल रहती है, जितनी एक कार की लाइफ होती है उतनी ही मेरी एक कार की ट्रे आप बनवाते हो उस पर चाहे एटलीस्ट नहीं तो भी नहीं करके 10 किलो का वजन आप आराम से रख सकते हो, जो नॉर्मल एक फाइबर की ट्रे पे नहीं आता है। नहीं आ सकता, फाइबर तो फाइबर है ना, नाजुक। बाकी एक छोटा सा टायरों का जमावड़ा है जो भाई, हाँ ये मैं जैसी मैं घुसा था ना तो ये सारी चीजें देख के मतलब भाई ये टायर क्यों बेच रहे हैं इतने सारे सब यहीं पे आगे रिम कटवा कटवा के जा रहे हैं कि अपने कंपनी फिटेड वाले।
वो कोइंसिडेंस कह सकते हैं या भगवान की कृपा है, मेरे पास आपको आप नेम द कार एंड आई हैव द जेन्युइन लाइक, ये देखो ना टाटा ये रखा है, महिंद्रा वो रखा है, हैरियर में और सफारी में, सफारी में लॉन्च जब हुए थे तो यही आए थे, ये जो लास्ट आपकी एक्सयूवी 5W जब डिस्कंटिन्यू हुए तो उसके जेन्युइन लाइक ये रहे, ये नए वाले लोगों के साथ रहा महिंद्रा एक्सयूवी 700 का दिख रहा है मेरे को जी, नहीं ये एक्सयूवी 700 500 और स्कॉर्पियो आराम से आ सकते सेम पीसीडी, ये किया ना किया महिंद्रा पुराना सब रखा है भाई, भाई मेरे को लग रहा है भाई के पास सब कुछ मिलेगा, फॉर्च्यूनर ये टॉप एंड का टाटा हैरियर सब बड़े बड़े टायर, हाँ वो रहा किया जीटी सब है भाई मारुति, और ऐसा नहीं है थोड़े सा अगर बजट कम है तो उनके लिए ये व्हील कैप भी टंगे हुए सर, व्हील कैप बजट कम है तो मेरे पास बजट कम के अलॉयज भी रखे हैं ऐसा जी, मेरे जो है मैं शुरू से कहता हूँ आई एम इको फ्रेंडली, ओके पॉकेट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली, ना मैं आपको यहाँ पे कोई पर्ची फाड़ के दूंगा कागज की, ना मैं आपको कोई ट्रांजेक्शन का दिखाऊंगा का वो पर्ची दूंगा, क्योंकि मेरे को पेपर बचाओ आंदोलन में मैं सबसे आगे रहता हूँ, ये मेरे पास निशान के ओरिजिनल लॉयज है, ये कोई भी मेरा प्यारा व्यक्ति जो अपनी गाड़ी को 17 इंच के टायर में डालना चाहता है वो मेरे पास आके इसको सियाज में लग जाएंगे कि ये 17 ही वाले सियाज में काटने में दिक्कत आएगी नहीं ऐसे काम नहीं करना मुझे गाड़ी है ना जेन्युइन और वो वैसी ओएम ही होती है ना वैसी रखना पसंद है। अच्छा तो अगर आप ओएम की बात करते हो तो आओ मैं आपको एक छोटा सा खजाना दिखाता हूं, जेन्युइन ये तो देख लिया मैंने आते से, ये देखो भाई पागल हो जाओगे इतनी वैरायटी है वीर जी के पास, नए नवेला सुजुकी, ये उसका है स्विफ्ट का बूझो तो जाने बूझो तो जाने पे डाल दिया भाई टाटा नेक्सन, हाँ सब पेडी बैग सुजुकी सुजुकी बलिनो, अरे सियाज का ये वाला जो ब्लैक वाला आता है जी। वो मिलेगा अपने पास सब मिल जाएगा सर, बलिनो ग्रे या इसी को ब्लैक करवा दे, ऊपर देखो टॉप एंड क्रेटा भाई दिखाऊं, देखो ये रही क्रेटा तो ये टंगी हुई है, टॉप एंड सोनेट सोनेट सब टंगा है यार वीर जी सब टंगा है तुम्हारे पास, सबको उल्टा टांग दिया तुमने पकड़ के और भी बहुत कुछ है भाई, मेरा पहली बार एक्सपीरियंस हुआ सीरियसली, अपन सिर्फ गाड़ी लेते हैं मैट डलाते हैं और चलाते रहते हैं, इसके अलावा अपने को कभी काम नहीं पड़ा, तो भाई नीचे आ रहा होगा वीर जी का इंस्टाग्राम लिंक, ठीक है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है मैंने, और जहाँ मेरी उंगली देख रहे हो ये इसके बीच में जो लिखा आ रहा है ना ये RMBC कस्टम्स, ये बाकी मेंशन कर देंगे अपन, तो वीर जी जल्दी मिल रहे हैं अपन अपर लगवाने के लिए है ना, और बाकी का गाड़ी का काम भी अपनी जो बात हुई है वो करवाना है अपने को, मैं जरा सीजन जो दो तीन चीजें दूर से बताई है फ्री हो जाऊँ जरा पास से करेक्ट करेंगे, सीजन से जरा फ्री हो जाऊँ मैं अभी, जरा ब्याह करवा लें लोगों के, आओ भैया अब इसका रिस्पॉन्ड क्या आया दिखाते हैं, मतलब गाड़ी हो गई जाम फाड़, देखो ये तो जला अपना, ये अंधेरा दिख रहा है ना, ये जला अपना खाली फोग लैंप, ठीक है और ये जला तो पर रील बन रहा रील को जान दो भैया, ये गाना अंधेरा और वो देखो येलो लाइट कैसा कमाल करती है, अब अपन ने जो खर्चा किया है ये देखो, ये हाँ एक और टू व्हीलर वाला देखो ऐसा आ रहता है, और अपना खर्चा देख रहे हो आप, चलो ये देखो साहब ये तो अभी लोअर ही है, अपर डोर करेंगे तो ये झगमग हो जाएगा चारों तरफ, ऐसा तो खर्च हुआ है दोस्त, और सामने से कुछ ये लुक आ रहा है बहुत ही खतरनाक हो रही है यार, वाइट पे जैसे दिख रहा है ये देखो, ऐसे देखोगे भाई, हमने एक कलाकारी क्या रखी है, हमने यहाँ पे येलो वाला भी अपना बल्ब लगा ही रखा है, ये मस्त, अब अपने को फॉग में भी दिक्कत नहीं आएगी, अपर जो है अपना वो येलो कलर का है और बाकी ये मिक्स सी ऐसी मिक्स सी लाइट आएगी,